नेक्स्ट है बच्चे आरएल इंटेलिजेंस और डीएमएम। कार्ल लैंडस्टीनर नाम का साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स को स्टडी किया था। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप हम बोलते ना उसको उसने नाम दिया था ए बी सी ब्लड ग्रुप, ओ को उसने सी बोला था। कार्ल लैंडस्टीनर जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया, उसने ए बी सी इसको ग्रुप को नाम दिया था ए बी सी, ओ नहीं दिया था। इसी वजह से जब उसने फोर्थ एंटीजन को आइडेंटिफाई किया तो उसको नाम दिया डी एंटीजन। ए बी ओ को उसने बोला था सी और आर एच को उसने बोला था डी, तो ए बी सी डी इसलिए ये। बट बाद में हमने सी को बदल के ओ कर दिया जब हमें ये पता चला कि सी कोई एंटीजन नहीं है, सी को एब्सेंस ऑफ ए और बी है, तो उसको ओ बोलना चाहिए, सी नहीं बोलना चाहिए। तो वो बन गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसका नाम क्या रह गया डी ब्लड ग्रुप या डी एंटीजन। तो आर एच एंटीजन जो है आपके आरबीसी पे, जैसे ये आपका आरबीसी है, मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर यहाँ पे ए एंटीजन है, बट ए के साथ साथ आपके आरबीसी पे डी एंटीजन भी है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव। बट अगर आपके आरबीसी पे सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन ही है, डी एंटीजन है ही नहीं, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी सिमिलरली अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बी एंटीजन है, कोई भी डी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी नेगेटिव। और आपके ब्लड ग्रुप पे अगर बी एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी बी पॉजिटिव। कुछ बिल्कुल होती है बच्चे, सब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, हर एक एंटीजन के अगेंस्ट, पर वो शर्त ये है कि वो एंटीजन नॉन सेल्फ होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। अगर वो मेरा खुद का है मेरी बॉडी का, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो ये ए बी एंटीजन भी है और पर्सन के पास डी एंटीजन भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी पॉजिटिव। अगर सिर्फ ए और बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, ओ नेगेटिव बहुत रेयर होगा। ऐसी कम बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है ना डी है, मतलब ओ नेगेटिव, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बट डी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा जी ओ पॉजिटिव। इसी वजह से ये रेयर है, रेयर का मतलब है कि ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके आरबीसी पे कोई एंटीजन हो ही ना। तो यूनिवर्सल डोनर जो हमने बोला था वो यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव नहीं है, ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये होगा ना कि किसको मर्जी दे दो, ओ नेगेटिव का ब्लड आप किसी को भी दे दो, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ओ पॉजिटिव का ब्लड आपने दे दिया जी बी नेगेटिव को, वो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सर डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी। बिल्कुल, आपने मान लो ये ब्लड इसको दे दिया, इसके पास तो कोई डी एंटीजन नहीं है, इसके पास डी एंटीजन है, जब डी एंटीजन इसकी बॉडी में जाएगा तो इसकी बॉडी इसको क्या मानेगी फौरन, क्योंकि इसके पास खुद के पास नहीं है, तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी। तो आप ओ पॉजिटिव का ब्लड किसी नेगेटिव को नहीं दे सकते। अब देखो ओ नेगेटिव का ब्लड दे दो ए ए पॉजिटिव को, इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, दे दो, क्या दिक्कत है। ओ नेगेटिव का ब्लड दे दो ए नेगेटिव को, क्या दिक्कत है।
इसके पास भी मेंडियन नहीं है, इसके पास भी जब मेंडियन जा नहीं रहा है तो कोई तो एंटीबॉडी से क्यों बनाया गया ये बात होता है। और नेगेटिव इज यूनिवर्सल दोनों है, सो द बी नेगेटिव को सिर्फ बी नेगेटिव दे सकते हैं और ओ नेगेटिव। बिल्कुल, बी नेगेटिव को ब्लड आपका सिर्फ बी नेगेटिव पर्सन ही दे सकता है या ओ नेगेटिव दे सकता है। ए नेगेटिव को या ए नेगेटिव पर्सन देगा या ओ नेगेटिव देगा। ए बी को कोई भी दे सकता है, बट ए बी जो पॉजिटिव है ना उसको कोई भी देता रहे। ए बी नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, या तो ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल सिर्फ। सिर्फ ए बी नेगेटिव को ए नेगेटिव अब एक दो जो पार्टनर हैं, एक का ब्लड पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, और उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होता है जिसका ब्लड पॉजिटिव है, तो तब तक बेबी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बॉडी को पता नहीं चलेगा कि फीटस के पॉजिटिव है, तो तब तक एंटीबॉडीज बनेंगे जब तब तक बेबी डिलीवर हो जाएगा। सेकंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज पहले ही बने होंगे तो फीटस बढ़ जाएगा। एक कंडीशन है बच्चे रिट्रोब्लास्टोसिस फेटलसिस, फीटस स्टेज में ही बच्चे का एरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट करने से डेथ हो जाती है। वो कब होती है, जब मदर इज आरएच नेगेटिव, जब आरएच नेगेटिव मदर की शादी हुई फादर से जो कि क्या है आरएच पॉजिटिव, और इनका फर्स्ट बच्चा पैदा होता है आरएच पॉजिटिव फीटस है फर्स्ट, ये पहला बच्चा तो सर्वाइव कर जाएगा, पहला पॉजिटिव और फर्स्ट चाइल्ड पॉजिटिव है ये बच जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, मदर क्या है नेगेटिव, बच्चा क्या है, बच्चा मदर के पेट में है ना, बच्चा मदर के मोम में है ना, तो अगर पॉजिटिव एंटीजन मदर के पास खुद के पास तो नहीं है, बच्चे के पास है, तो मदर उसके अगेंस्ट क्या बना सकती है, बट वो एंटीबॉडीज क्यों नहीं बना रही, इस फर्स्ट चाइल्ड के अगेंस्ट क्यों नहीं बना रही, क्योंकि बच्चा और मदर का ब्लड प्लेसेंटा से अलग होता है, बच्चे का ब्लड इधर है मदर का इधर है, बीच में क्या है प्लेसेंटा, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं आ रहा, बिल्कुल। अब जब ये बच्चे का जन्म होगा बर्थ होगा, तो बर्थ के टाइम पे इस बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा, मतलब बच्चे का आरएच पॉजिटिव एंटीजन मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ गया। तो ये बहुत रेयर होता है क्या? नहीं नहीं, ये कॉमन है, अगर मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है। अब बर्थ के टाइम पे अगर आरएच पॉजिटिव एंटीजन मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आए तो मदर क्या करेगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच एंटीजन। अब सेकंड चाइल्ड भी इस मदर के पेट में पॉजिटिव आया, सेकंड चाइल्ड आरएच पॉजिटिव निकला, तो इस सेकंड चाइल्ड की फीटल स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। क्यों, मदर के ब्लड में ऑलरेडी क्या बन गई, एंटीबॉडी, तो अब तो फिर से ऐसा है ना कि मदर का ये प्लेसेंटा है, बच्चे का ब्लड तो इधर है बी एंटीजन, एंटीबॉडी बनी है मदर के ब्लड में, मदर का ब्लड इधर है बीच में प्लेसेंटा है, तो डेथ कैसे हो जाएगी। सेकंड चाइल्ड का ब्लड भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं आ रहा ना मदर के, इधर बच्चे का सेकंड चाइल्ड का जो ब्लड है इधर मदर का ब्लड है बीच में प्लेसेंटा है, तो फिर डेथ क्यों हो जाएगी सेकंड चाइल्ड की। मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज हैं, वो बात बात ठीक है, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बन गई, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज हैं, इधर बच्चे का ब्लड है डी एंटीजन वाला आरएच एंटीजन वाला, तो बीच में प्लेसेंटा तो है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो नहीं हो रहा ना ब्लड का मदर का और बच्चे का, शायद से सेकंड टाइम पे प्लेसेंटा रिमूव कर दो, नहीं फर्स्ट टाइम प्लेसेंटा रिमूव करना चाहिए, नहीं प्लेसेंटा सही है ठीक है, समझ आ गया, बच्चे जो एंटीबॉडीज होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज हैं, इधर बच्चे के पास डी एंटीजन है, ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके इधर आएंगी, बच्चे के डी एंटीजन को मारेंगी, बच्चे के डी एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है आरबीसीज के ऊपर, तो बच्चे के आरबीसीज को मारेंगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी बच्चे को जब उसके आरबीसीज ही मारेंगे। पहला बच्चा क्यों बच गया,
क्योंकि पहले टाइम पे बच्चे के टाइम पे तो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज थी नहीं। सेकंड चाइल्ड के लिए स्यापा तो सारा फर्स्ट बच्चे नहीं डाला है, ये इसका जब बर्थ हुआ तभी अपने एंटीजन को ब्लड में कॉन्टेक्ट में देके गया उसके मदर के। फर्स्ट चाइल्ड में ही सेकंड चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। अगर बच्चा जो होता वो आरएच नेगेटिव होता तो क्या दिक्कत आनी थी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आनी थी। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना। अगर सेकंड केस में नेगेटिव हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं? फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जब एंटीजन ही नहीं है इसके पास तो एंटीबॉडी जाके मारेंगे किसको? और ऐसा नहीं कि इस चीज का कोई सलूशन नहीं है। जब डॉक्टर को ये पता चलता है ना कि मदर का ब्लड नेगेटिव है, बच्चे का फर्स्ट बच्चे के चाइल्ड का ब्लड जो है पॉजिटिव है, तो इमीडिएटली मदर को एक प्रोगोन नाम की ड्रग दी जाती है, RHOGON, प्रोगोन नाम की ड्रग जो भी मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बनी होती है उनको खत्म कर देती है। अगर, अगर, तो फिर से ड्रग देनी पड़ेगी अगर वो थर्ड टाइम कंसीव करते हैं तो।